हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको सीरीज कनेक्शन दिखाने वाला हूँ अपनी बैटरी के, कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं बैटरी और क्या प्राइस रहते हैं हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी के और क्या प्राइस रहते हैं हमारी बैटरी के और कितनी कॉस्टिंग आती है। तो सब आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कम्प्लीटली अपनी वीडियो में। सो गाइस, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और फाइनली मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 5 बैटरी का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके साथ हमें लेड एसिड बैटरी में कितने एम्पीयर और कितने वोल्ट की बैटरी होती है, ये कम्प्लीट आज इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी मेरी वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। सो गाइज, ये बैटरी ऑफिशियल बैटरी है जो टनवाल कंपनी की तरफ से आती है, जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में हमें देखने के लिए मिलती है। ये है 12 वोल्ट 28 एम्पियर की, हमें 26 एम्पियर की भी देखने के लिए मिलती है, 27 एम्पियर की भी मिलती है, पर जो 28 एम्पियर की होती है ये हमारी रेंज बढ़ा देती है स्कूटी की। तो ये बेस्ट बैटरी है इस स्कूटी के लिए। और ये हमारी 5 बैटरी का सेट है। ये अराउंड हमें जो नई बैटरी है इसकी कॉस्टिंग 10,000 से 11,000 देखने के लिए मिलती है, और जो हमारी जो पुरानी बैटरी वापस चली जाती हैं, रीसेल हो जाती हैं, वो हमारी 2 से 2,500 की चली जाती हैं। सो गाइस, आज मैं इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ इन्हें। सो गाइस, ये हमारा बैटरी स्पेस, इसमें हम बैटरी लगाने वाले हैं, 2 फ्रंट में लगेंगी और 3 हमारी साइड में लगेंगी। सो गाइस, अब इसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं 1 बाय 1। तो मैं रख देता हूँ पहले बैटरी, फिर कनेक्शन चेक कराएंगे आपको। सो गाइस, फर्स्ट बैटरी को हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे। ये फर्स्ट बैटरी मैंने इसलिए लगाई है ऐसे क्योंकि जो हमारे अंदर से कनेक्शन आते हैं तो वो ये वाली ब्लैक वायर है हमारी, ये वाली यहाँ पर लग जाएगी, और पॉजिटिव वायर जो लास्ट की बैटरी होगी वो यहाँ से इसका पॉजिटिव MCU में चला जाएगा। तो गाइस, 1 बाय 1 हम इंस्टॉल करते हैं बैटरी को। तो मैं इसे लगा के दिखाने वाला हूँ। तो ये नेगेटिव वायर है हमारा, कनेक्शन बहुत ही आसान है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकेंड बैटरी हमें ऐसे इंस्टॉल कर देनी है। थर्ड बैटरी इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं अपनी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे नेगेटिव में। ये रही हमारी फोर्थ बैटरी, तो इसका हम पॉजिटिव इसके नेगेटिव में लगा देंगे। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। फिफ्थ बैटरी जो कि हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारे नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और जो इसका पॉजिटिव है वो हमारी डायरेक्ट MCB से कनेक्ट हो जाएगा और हमारे कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। इसका पॉजिटिव टर्मिनल MCB में जाएगा डायरेक्ट। और अगर गाइस आपको इसका वायरिंग डायग्राम भी चाहिए होगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डायग्राम हम दे देंगे। और गाइस, एक वीडियो मेरी आने वाली है लेड वर्सेस लिथियम पे भी, कि लिथियम इफेक्टिव होती है या लेड एसिड बैटरी, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आगे जाके। तो गाइस, एक बार दोबारा कनेक्शन बता देते हैं हम। तो जो गाइस अंदर से एक ब्लैक वायर आ रखी थी हमारी नेगेटिव की, वो जाएगी हमारी फर्स्ट बैटरी में, ये चली गई, और जो इसकी पॉजिटिव वायर है वो सेकंड बैटरी के नेगेटिव में, और जो इसकी पॉजिटिव वायर है वो हमारी थर्ड बैटरी के नेगेटिव में, इसकी पॉजिटिव वायर है वो हमारी फोर्थ बैटरी के नेगेटिव में, और जो इसकी नेगेटिव वायर है वो हमारी फिफ्थ बैटरी के नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव हमारा डायरेक्ट MCU में चला जाता है। तो फाइनली गाइस, हमारी बैटरी कनेक्शन हो चुके हैं, तो मैं दिखाने वाला हूँ अपने कनेक्शन। तो मैंने ऑन कर दिया MCB, आप देख सकते हैं मीटर चल चुका है, उसका मतलब हमारे कनेक्शन ओके हैं बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, 44 लो पर है स्पीड और हाई पर स्पीड, ये कुछ हाई पर है 53 किलोमीटर पर आर। सो गाइस, मैंने बता रखा है हम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा अपने। सो फाइनली गाइस, हम इसमें क्लैंप लगा देंगे लास्ट में, जिससे कि हमारी बैटरी फिक्स हो जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।